Welcome to Learn for Exam. My name is Gurpreet Singh. In this video, we'll talk about score versus percentile. So, कल CAT का exam है and कितने questions करने होंगे कि मेरी अच्छी खासी percentile आ जाए, उसके बारे में हम detail में बात करने वाले हैं. And to make this MBA journey an easy interactive one, you can download our app which is available on the iOS and the Android Play Store. Just search Learn for Exam. You'll find a lot of free tests, a lot of free classes, and you can see the NMAT 2021 results of our students. और एक एंड बहुत जल्दी मैं कैट के भी स्नैप के भी जैसे जैसे रिजल्ट आते जाएंगे आईएफटी के वो सब आपके साथ शेयर करूंगा. लेट्स टॉक अबाउट स्कोर वर्सेस परसेंटाइल. सो सबसे पहले एक इम्पॉर्टेंट चीज़ बता दूं, मैंने परसेंटाइल को कहाँ पे कांस्टेंट लिया हुआ है, स्कोर्स को नहीं लिया है. तो कांस्टेंट का मतलब क्या होता है? सो फॉर एग्जांपल अगर हम यहाँ पे बात करते हैं 80 परसेंटाइल की, तो 80 परसेंटाइल जो है, अगर आपका वीए में स्कोर 21 के आसपास आएगा तो आपकी 80 परसेंटाइल होगी. अगर आपका एलआरडीए में 17 के आसपास स्कोर होगा तो आपकी 80 परसेंटाइल होगी. और अगर आपका 16 पॉइंट में होगा तो भी आपकी 80 परसेंटाइल होगी. पर अगर इसका सम करेंगे तो वो 50 नहीं आएगा, उससे थोड़ा ज़्यादा ही आ सकता है या कम भी आ सकता है. ठीक है, वैसे कम तो नहीं आएगा, ज़्यादा ही आएगा. तो अगर 50 ओवरऑल आएगा तो आपकी 80 परसेंटाइल होगी. क्लियर? तो ये स्कोर के हिसाब से परसेंटाइल लिखी हुई है. अब यहाँ पर देखिए, आपको सिंपल सा ये सोचना है कि आपको अगर टायर 2 या टायर 1 कॉलेज में जाना है तो आपका ये टारगेट होना चाहिए, ये यहाँ से टारगेट होना चाहिए कि आपको 80 के ऊपर लाना है. अब 80 के ऊपर लाने के लिए आपको क्या करना है? आपको वीए के अंदर 7 क्वेश्चन ठीक करने हैं, सिर्फ 7 क्वेश्चन. और एलआरडीए के अंदर सिर्फ 5 क्वेश्चन ठीक करने हैं, एंड क्वांट के अंदर सिर्फ 5 क्वेश्चन ठीक करने हैं. बिकॉज द रीजन इज 5 या 6 भी आप कर सकते हैं कहीं पर भी. और द रीजन इज कि 3 मार्क का एक क्वेश्चन होता है, ठीक है, और आपको सिर्फ इतने स्कोर लाना है एंड ओवरऑल आपका ऑटोमेटिक उससे ज़्यादा ही हो जाएगा. ठीक है, अब गेम खराब कहाँ होती है? गेम खराब होती है जब आप सारा कुछ ही अटेम्प्ट करने लग जाते हैं जो आपको नहीं भी आता है. सो सबसे पहले मेरी एडवाइस वो रहेगी, जिनकी स्कोर्स 40-50 परसेंटाइल या 60 परसेंटाइल या 70 परसेंटाइल के आसपास आ रहे हैं, हाउ टू बूस्ट योर स्कोर अबव 80 परसेंटाइल इज कि आप अपनी एक्यूरेसी पे ध्यान दें. कल आपके पास बहुत टाइम होगा क्योंकि आपको आधा पेपर नहीं आता. 50 परसेंटाइल का मतलब यही है कि आपको बहुत ज़्यादा पेपर नहीं आता है. देन यू कैन प्ले अ स्मार्ट मूव दैट कि आप पहले वही क्वेश्चन मार्क करें जो आपको 101% श्योर है, उसके बाद आप दूसरों पर अगर तुक्के मारने का दिल करे तो ही मारे, वरना मैं तो रिकमेंड ही नहीं करता. कि अगर आपकी एक्यूरेसी अच्छी नहीं है तो आप एक्यूरेसी पे काम करें और कोशिश करें कि सिर्फ 7, मतलब आप अटेम्प्ट करें अगर 9 और उसमें से आप कह दें कि मेरी 95 या 900 के आसपास की एक्यूरेसी होगी, देन यू गुड टू गो, देन यू गुड टू गो टू बी ऑनेस्ट. ओके, अगर यहाँ 10 कर लीजिए, ठीक है, तो आपकी एक्यूरेसी काफ़ी सी हो जाएगी. यहाँ पे आप आराम से, यहाँ भी आप 8 या 9 कर लीजिए, यहाँ भी 8 या 9 कर लीजिए. ये उनके लिए जो 80 परसेंटेज तक लाना चाहते हैं, ठीक है, ये उन्हीं के लिए स्ट्रेटजी है. एंड ओवरऑल में आपको कितने क्वेश्चन करने होंगे? 50 मार्क्स के लिए आप मान के चलिए 16-17 आपको करने होंगे एंड यू आर गुड टू गो. ठीक है, आपका अबव ओवरऑल 80 के अबव आ जाएगा. 80 के अबव आती है आपका केजी सुमाया, वेलिंगकर और जेम, ये सारे कॉलेजेस ऑलमोस्ट आनी शुरू हो जाती है इनकी कॉल. और बेबी एम्स की अगर आप लड़की हैं तो आपको उस पर भी आ जाएगी, यस आ जाती है. ठीक है, बेबी आई एम्स की कॉल्स आ जाती हैं. अब उसके बाद आते हैं जहाँ से कंपटीशन शुरू होता है. कंपटीशन शुरू होता है यहाँ से 90% से. 90% के लिए आपको वीए में 9 क्वेश्चन करने होंगे, एलआरडीए में समझ 7 क्वेश्चन, 7 या ज़्यादा. ठीक है, मैंने कम वाला फैक्टर यहाँ पे लिया हुआ है. ठीक है, एंड क्वांट के अंदर आपको 8 क्वेश्चन करने होंगे, ओवरऑल आपको 22 क्वेश्चन करने होंगे 90% के लिए. देन 95% के लिए यू हैव टू डू 11 क्वेश्चन के अराउंड, 8 के अराउंड यहाँ पे, और क्वांट में आपके 10 और ओवरऑल में 26. इसके बाद यहाँ से इतनी जंप नहीं है जितनी जंप यहाँ से यहाँ पर है. 99% के लिए सीधा 14 हो जाते हैं, फिर 12 हो जाते हैं, फिर 15 हो जाते हैं, ओवरऑल हो जाता है 34. तो यहाँ से यहाँ आपके जो कंपटीशन सबसे ज़्यादा है वो इस फील्ड में सबसे ज़्यादा कंपटीशन है. और यहाँ पे सबसे ज़्यादा ही टाइम लगता है बच्चे को स्कोर करने में. ठीक है, एक एक नंबर से आपकी पर्सनल में बहुत बड़ा बड़ा गैप आएगा, बहुत बड़ा बड़ा चेंज आएगा. यहाँ पर इतना नहीं आता है, ऊपर की साइड में इतना नहीं होगा, नीचे बहुत आता है. 95-100% के बीच में आप कहीं भी हैं, यू आर गुड टू गो. बहुत अच्छे कॉल से आपको कॉल आएगी. ठीक है, आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं एमबीआई गुड़गांव, एसपी जैन, जो टायर वन में आते हैं बेसिकली, वो टायर वन से आपको कॉल आनी शुरू हो जाएंगी, नो इशू एट ऑल. ठीक है, अब आप यहाँ पे तो देखो वही आ सकते हैं जो ऑलरेडी मॉक्स के अंदर 90% प्लस ला रहे हैं. 90% अगर आपके प्लस मॉक्स में आ रहे हैं देन यू आर इन दिस जोन, ऑलराइट, सो डोंट वरी. बट इसके लिए मेरी कोई एडवाइस नहीं, जैसी आपकी जो स्टडी चल रही है उसको फॉलो करें. बस मेरी एडवाइस उन्हीं के लिए जो 80% लाना चाहते हैं कल के मॉक के अंदर, उनके लिए बस यही है कि आप कोशिश करिएगा 7, 5, 5 और 16. द रीज़न इज मैंने नंबर कहाँ से निकाला है, ये जो हमारे पास खुद की, क्योंकि हमारा खुद का पोर्टल है तो हमारी खुद की टेस्ट सीरीज हम कंडक्ट कराते हैं, उसका सारा डेटा हमारे पास ही रहता है.
सो बहुत सारे स्टूडेंट्स का डेटा है, तो उसी के अकॉर्डिंगली मैंने सब नंबर्स निकाले। और जो पिछले साल हुआ था उसमें भी उन्होंने बोला कि थोड़े बहुत ही नंबर ऑफ क्वेश्चन थोड़े बहुत कम होंगे, तो इसलिए मैंने निकाला कि 21, 17, 16 and 50 इज अ नंबर टू गेट अ 80 percentile। बाकी अगर कुछ होगा कोई बड़ा चेंज कल तो मैं डेफिनेटली उसके ऊपर भी वीडियो बना दूंगा कि स्कोर वर्सेस परसेंटाइल कल के अकॉर्डिंगली क्या होने वाली है। जब तीनों ही स्लॉट्स खत्म हो जाएंगे मैं तभी बता सकता हूँ, उससे पहले तो मैं नहीं बना पाऊंगा, ठीक है। बट आई रिकमेंड जेन्युइनली कि आप इस चीज़ को फॉलो जरूर करिएगा। साथ मतलब ये नंबर आपके दिमाग में रहना चाहिए, VA में आपको पहले सेक्शन वाइज VA आता है, तो 7 क्वेश्चन आपको ठीक करने ही करने हैं, ध्यान लगाना है, उसके बाद आपका 5 क्वेश्चन ठीक करने ही करने हैं। LIDA में 5 क्वेश्चन करने नॉट दैट टफ, आपको बस एक सेट ढूंढना है जो सबसे आसान हो, या फिर आपको कोई 4 सेट ऐसे ढूंढने हैं जिसमें आप एक दो क्वेश्चन कर पाए। इंपॉर्टेंट टिप, मैं खुद टेस्ट भी बनाता हूँ, सो वी नो कि हम कैसे टेस्ट बनाते हैं, कि हम LIDA के सेट के अंदर पहला क्वेश्चन दूसरा क्वेश्चन टफ होगा, थर्ड या फोर्थ में से कोई एक ईजी होगा, ठीक है। ये याद रखिएगा, या आपने अगर कभी मॉक्स दिए हो हमारे या कोई भी मॉक्स देंगे तो यू विल फाइंड दिस थिंग कि वहाँ पर चौथा या तीसरा क्वेश्चन हमेशा उस सेट का इजी होता है, फर्स्ट टू ही टफ होते हैं। ऑलराइट, सो आप इन चीज़ों को लाइक देखिएगा जरूर, अगर आपके पास टाइम हो पेपर में नहीं आता या कंप्लीट कर चुके जितना आपको आना है, तो इस चीज़ को फाइंड करिए कि थर्ड या फोर्थ क्वेश्चन किसका इजी है, यू विल फाइंड सच क्वेश्चंस। ओके, क्वांट के अंदर 5 क्वेश्चन करने, तो 5 तो मुझे लगता है कि अगर मैं थोड़ी बहुत भी पढ़ाई करी होगी तो 5 तो कर ही लोगे यार, थोड़ी बहुत भी पढ़ाई करी होगी, अगर अर्थमेटिक थोड़ा भी पढ़ा होगा तो आप कर जाओगे, एलजेब्रा पढ़ा होगा तब भी आप 5 क्वेश्चन कर सकते हो, क्योंकि इन दोनों से ज़्यादा ही क्वेश्चन की वेटेज आती है, एलजेब्रा भी ज़्यादा आता है और अर्थमेटिक भी ज़्यादा ही आती है, नंबर ऑफ क्वेश्चन में ज़्यादा आती है, ठीक है। तो ओवरऑल आपका ऑटोमेटिक ऊपर चला जाएगा और 80% स्कोर करते ही यू आर इन अ सेफ जोन, यू विल गेट अ गुड बी स्कूल फॉर श्योर टायर 2 या टायर 1, और आपका एवरेज पैकेज 10 के ऊपर जाने वाला है। ऑलराइट, फॉर दैट एवरेज पैकेज प्लीज मेक श्योर यू स्कोर 80% अबव। ऑलराइट, सो दिस इज अ शॉर्ट वीडियो जो मैं आपको बताना चाहता था कि कितनी कल की हो सकती है, बाकी देखते हैं कल क्या होगा, ठीक है। एंड यू कैन ज्वाइन दिस ग्रुप अगर आपको सारी अपडेट्स चाहिए जल्दी से जल्दी। इसके अंदर ओवर 6000 मेंबर्स हो चुके हैं ऑलरेडी, बहुत ही ज्यादा डिस्कशन चलती रहती है एग्जाम्स को लेकर, तो डेफिनेटली आप इस ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। ऑलराइट, एंड यू कैन व्हाट्सएप ऑन दिस नंबर और यू कैन कॉल ऑन दिस नंबर 7 8 2 1 3 9 4 6 7, एंड माई टीम विल हेल्प यू आउट विद द कोर्सेज, जो कि हम अपकमिंग कोर्सेज है, जैसे कि स्नैप 99 हमारा निकला हुआ है, IFT 99, NMAT 99 एंड फॉर द MBA 2022, ऑलराइट, और द CAT 2022 जो अभी हम दिसंबर में शुरू करने वाले हैं, इस नंबर पे आप कॉल करके पूछ सकते हैं उन कोर्सेज के बारे में। एंड कनेक्ट विद अस ऑन YouTube, Facebook, Instagram, Telegram, Snapchat, सारी सोशल मीडिया स्क्रीन नीचे दिए हुए हैं। सो थैंक यू वेरी मच, हैव अ लवली ऑसम डे अहेड।